हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में आज से शुरू हो रही बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को नकल फ्री बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए सभी जिलों के डीसी एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर से 7,41,460 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो 1,685 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने वालों सावधान, क्योंकि इस बार बोर्ड ने नकल करने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा उन मुन्ना भाइयों की भी खैर नहीं जो दूसरों की जगह पर बैठकर परीक्षा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए भिवानी बोर्ड ने QR कोड का सहारा लिया है। भिवानी बोर्ड के रोल नंबर पर QR कोड बनाया गया है। रोल नंबर पर बने इस QR कोड से विद्यार्थी की असली और नकली होने की पहचान हो सकेगी। इसी QR कोड से कोई भी जांच अधिकारी पता लगा सकेगा कि परीक्षार्थी असली है या नकली। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि परीक्षा की शुरुआत कब से हो रही है और क्या तैयारियां की गई। रोल नंबर के ऊपर QR कोड प्रिंट किया है जो बच्चे का रोल नंबर आएगा, और हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से लेकर हम उस ऐप से बार कोडिंग जो स्कैनर है उसको डाउनलोड करके और रोल नंबर के ऊपर जो उधर QR कोड लिखा है उसको हम स्कैन करके देख सकते हैं कि कहीं बच्चे ने फोटो वगैरह या साइन वगैरह नकली नहीं लगाए हुए हैं। तो तुरंत जैसे जो संशय रहता था कि मैं सही हूँ, वो नकली फोटो लगा कर कई बार पेपर देता था और कहीं उसकी शिकायत होती थी या वैसे उस पर संदेह होता था, तो अब वो नहीं कर पाएगा ऐसा। 3 से 31 मार्च तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी, जबकि 4 से 27 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा में 2,90,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे, तो 10वीं की परीक्षा में 4,50,000 छात्र शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा पर नजर रखने के लिए प्रदेश भर में 7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए 327 उड़न दस्ते भी तैयार किए गए हैं, ताकि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो सके। वहीं परीक्षा में एंट्री के लिए रंगीन एडमिट कार्ड को जरूरी बनाया गया है। इसके अलावा नकल रोकने के लिए QR कोड का इस्तेमाल इस परीक्षा में किया जा रहा है। उधर फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि फतेहाबाद जिले में 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 29,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए प्रदेश के सभी डीसी और एसपी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला के अधिकारियों को, डीसी, एसपी को और डीओज को सख्त निर्देश दिए कि चीटिंग फ्री एग्जाम होना चाहिए 100%। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही अगर होगी तो जिम्मेवार अधिकारी को उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। और कल सारी की सारी जो सामग्री एग्जाम से संबंधित होती है वो स्टूडेंट्स को बांट दी और सभी की ड्यूटी दे दी है। 3 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जहां प्रशासन नकल रहित बनाने की कोशिश में जुट गया है, तो वहीं छात्र पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट।